राजस्थान चुनाव वैसे तो बीजेपी जीत गई है, लेकिन एक 26 वर्षीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने दोनों ही मुख्य पार्टियों की हालत पतली कर दी है। बाड़मेर की शिव सीट से चुनाव लड़े रविंद्र सिंह भाटी ने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। खास बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे थे। रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता हैं और वह चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। हालांकि जब बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा के टिकट का ऐलान किया तो भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिव सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। भाटी छात्रों के अधिकारों के बारे में मुखर रहे हैं, जिसने उन्हें निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। वह भीड़ खींचने वाले व्यक्ति रहे हैं और उनकी रैलियों में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी गई। शुरुआती रुझानों में जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी बागियों से आगे चल रहे थे, लग ही रहा था कि वे इस सीट पर बाजी मार जाएंगे। चुनावों के दौरान भाटी के कई पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें से एक वीडियो में भाटी अपने दोस्तों के साथ हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के गाने पर डांस करते भी नजर आए। भाटी छात्र हितों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, जिसके चलते युवाओं में उनकी खासी लोकप्रियता है। रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों में जमकर भीड़ उमड़ रही थी। रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर की JNVU के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। वे 2019 में छात्र संघ का चुनाव 1200 से अधिक वोटों से जीते थे। JNVU में 58 साल के इतिहास में पहली बार कोई निर्दलीय जीता था। भाटी ABVP से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिली। भाटी ने राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। रविंद्र सिंह भाटी ने पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। जनसंपर्क भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर वे बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वे निर्दलीय ही ताल ठोकने आ गए। अब वे चुनाव जीत गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता भाटी से संपर्क साध उन्हें अपने पाले में करना चाह रहे हैं।